हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब। प्ले विद खान के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मोहित खान। पिछले एपिसोड में हम फुशिया सिटी के सफारी जोन में थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमें वहाँ पे ड्रैगनायर देखने को मिला, जो कि वास्तव में हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन कंसिडर किया जाता है। और वहाँ पे टीम रॉकेट उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में ड्रैगनायर ने बिना किसी की हेल्प के उनको खुद ही भगा दिया। और यहाँ पे आपको याद होगा कि दो लोगों का कपल हम लोग को बताता है कि उनका बच्चा 5 साल पहले खो गया था यहीं पे, तो वो असल में कैंगस खान के साथ रहने लगा था और कैंगस खान को ये अपनी माँ समझने लगा था। बाद में इसे हमने जा कर के बताया था सफारी जोन में कि इसकी असली माँ इसका इंतज़ार कर रही है। तो अब ये चारों साथ में ही रहते हैं और ये हमको एक मूव सिखाना चाहता है। मैं आप लोग को बता दूँ, ये मूव सब्स्टिट्यूट करके रहता है और मुझे ये मूव उतना सीखने का मन नहीं है, इसलिए हम नहीं सीखेंगे। हम यहाँ से चलेंगे सीधा फुशिया सिटी के जो जिम लीडर हैं, कोगा नाम है शायद उनका, उनसे जाकर के हम बैटल करेंगे। और चलिए यहीं पे रहते हैं वो। और यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें, लेकिन बहुत सिंपल है। आपको बस घुस करके लेफ्ट वाला जो स्टैचू है उस, ये तो एक बैनोनाइट था दोस्तों और ये हमको देख के भग गया, तो आपको उसको देख करके बी बटन दबाना रहता है। और वेट, नो, इट्स अ पोकेमॉन। ये एक पोकेमॉन है, वोल्टोब है, तो आपको वहाँ पे जा करके लेफ्ट में उसको देखना रहता है और 3 बार बी दबाएंगे। अगर बी दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पे वोल्टोब को मैं पकड़ना चाहूँगा। जब तक मैं इसको पकड़ रहा हूँ तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बस 1 मिनट लगेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने वोल्टोब को पकड़ लिया बहुत आसानी से, ऑल बिकॉज ऑफ माई लवली पी जी ऑटो। इसे हमें अपनी टीम में तो नहीं रखना था, लेकिन कलेक्शन में तो रखना ही है, क्योंकि 150 से ज़्यादा पोकेमॉन हैं यहाँ पे कैंटो रीजन में, और मेरा मकसद है कि एटलीस्ट 100 को तो हमें पकड़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये इनविजिबल वॉल्स जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब। बॉर्न इन डार्कनेस, लिविंग इन डार्कनेस, सच इज़ द फेट ऑफ द निंजा। आई एम आया निंजा वॉरियर। My Venonite informed me that a stupid looking person had entered the mansion. I won't let you leave this mansion without having a battle with me first. Here we go guys, Mohit versus Aya. और इनके पास एक पोकेमॉन है, भाई Venonite ही होगा, जी हाँ। और हम यहाँ पे अपने पिजियोटो को यूज़ करेंगे, सीक्रेट पावर। और यहाँ पे पैरालाइज भी हो गया है Venonite, फिर भी इसने पॉइजन पाउडर यूज किया दोस्तों। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे सीक्रेट पावर यूज करेंगे। और इसी के साथ Venonite हो गया फेंट और हमने यहाँ पे हरा दिया जो भी नाम है आया को। यहाँ पे हमारी हिंदी भाषा में आया को वो काम वाली कहते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं आया का क्या मतलब होता होगा। ओके 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 ओके, तुम्हें हराना इतना मुश्किल नहीं था, तो तुम्हारे भाई को हराने में हमको कहाँ दिक्कत होगी। और दोस्तों, हमारे पिजियोटो को जहर चढ़ गया है। पहले मैं उस सर्कल के अंदर पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं इस गेम को सेव करूँगा और फिर मैं वहाँ पे जो इनका भाई है, कोगा नाम है शायद, उससे हम बैटल करेंगे। इधर नहीं है, किधर से जाना है दोस्तों, इधर से, बहुत अजीब जगह है। हाँ दोस्तों, यहीं से जाना है शायद। तो मैं 1 मिनट में इसको सेव कर लेता हूँ, बस 1 मिनट की बात है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, तो हमने अपना गेम सेव कर लिया है और अब हम तैयार हैं कोगा जी से बैटल करने को। और मैंने अपने पिजियोटो को स्विच कर दिया यहाँ पे पिकाचू के साथ, तो अब हम चलते हैं पता नहीं कहाँ। ओ धुआं धुआं, माय सिस्टर आया स्टिल हैज अ लॉट टू लर्न। यू विल नॉट बी परमिटेड टू लीव दिस वेनरेबल मैंशन अनलेस यू डू बैटल विथ मी। आई एम कोगा द पोकेमॉन मास्टर ऑफ द फुशिया जिम। द सोल बैच विल बी योर्स इफ यू डिफीट मी, ऑफ कोर्स। हियर वी गो गाइस, मोहित वर्सेस कोगा, द जिम मास्टर ऑफ फुशिया सिटी, जिन्होंने अपना जिम सिटी के बाहर खोल रखा है ताकि प्राइवेसी में ट्रेनिंग कर सकें।
तो इनके पास है एक वेनोमोथ लेवल 40 का, तो इसमें हम थंडर बोल्ट यूज़ करके देखते हैं। आधा कम हो गया, और यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है सिग्नल बीम, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मूव। हमारा पिकाचू यहाँ पे फेंट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं पिजियोटो को, सेम मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी जिस पे पहले अटैक हो गया वो फेंट हो सकता है यहाँ पे, और शायद पिजियोटो नहीं, पिजियोटो हमारा इसको झेल गया, और ये भी। और यहाँ पे विंग अटैक देखते हैं, ओ नो, यहाँ पे पिजियोटो भी हमारा फेंट हो गया दोस्तों। अब तीन पोकेमॉन्स हैं हमारे पास, बल्बसॉर, चार्मेंडर और स्क्वाटल। स्क्वाटल से शुरुआत करते हैं, और अगर यहाँ पे हमको कोई दिक्कत हुई तो हमारे पास रिवाइव तो हैं बहुत सारे, और स्लीप पाउडर यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने चेक किया कि हमने सारी चीज़ें खरीद ली, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अवेकनिंग खरीदना शायद भूल गया। हो गया, कोई बात नहीं, स्क्वाटल सोना चाह रहे तो सोने देते हैं इसको। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चार्मेंडर को, गो चार्मेंडर गो। सिग्नल बीम फिर से यूज़ किया है, लेकिन हमारा चार्मेंडर सर्वाइव कर गया। फ्लेम थ्रोवर, साई बीम, इसको भी सर्वाइव कर जाना मेरे भाई, हाँ कर ही गया। और वेनोमोथ यहाँ पे अब फेंट हो जाएगा दोस्तों, क्वार्टल को 591 और चारमेंडर को 886 EXP पॉइंट्स मिले, और चारमेंडर अब लेवल 39 के हो चुके हैं। ये यहाँ पे गोल बैट को यूज़ करेंगे, कोगा, तो हम यहाँ पे बल्बासोर को यूज़ करेंगे। लेवल 38 का है, तो मैं यहाँ पे जीगा ड्रेन यूज़ करूँगा। कंफ्यूज रे, बहुत ही कमाल का इन्होंने यूज़ किया मूव, इससे हमारा बल्बासोर कंफ्यूज हो गया है, और उसने खुद ही को कंफ्यूजन में मार लिया। कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे विंग अटैक के सामने बात नहीं जमी। अब लगता है हमें अपने किसी पोकेमॉन को यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा, और वो पोकेमॉन होगा पिजियोटो, क्योंकि वो इसके सामने आराम से हो टिक सकेगा, इसलिए हम फुल रिस्टोर यूज़ करेंगे अपना। ये इस पर शायद काम नहीं करेगा, मैक्स रिवाइव, सॉरी फुल रिस्टोर नहीं, मैक्स रिवाइव यहाँ पे काम करेगा। और अब हमारा पिजियोटो रिवाइव भी हो चुका है, और पूरी हेल्थ भी इसकी अब है। अगर ये उठ जाता है यहाँ पे हमारा स्क्वाटल तो ठीक है, वरना हमारे पास तो अभी है पिजियोटो। कमान 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 कमान, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वाटल भी हो गया है फेंट। अब हम बुलाएंगे अपने पिजियोटो को, जो एकदम कंप्लीट परफेक्ट कंडीशन में है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। सीक्रेट पावर यूज़ करेंगे। ओहो, कंफ्यूज रे, बहुत समझदार है ये गोल बैट। पिजियोटो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यू कैन डू इट, कंफ्यूज मत होना, तुम्हें गोल बैट को मारना है, खुद को नहीं। बहुत बढ़िया पिजियोटो, और ओहो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इसका। विंग अटैक यूज़ करके देखते हैं, टॉक्सिक, लेकिन यहाँ पे अटैक मिस हो गया इनका, और पिजियोटो भी कन्फ्यूजन से बाहर निकला है। विंग अटैक यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ा। फिर से कन्फ्यूज रे यहाँ पे यूज़ किया है, कमान पिजियोटो कमान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अभी भी थोड़ी सी इसकी लाइफ बची हुई है, और यहाँ पे इन्होंने भी विंग अटैक यूज़ किया। पिजियोटो कंफ्यूज नहीं होना है, गॉल बैट को मारना है आपको, बहुत बढ़िया। और फिर से विंग अटैक विंग अटैक विंग अटैक, बस ये लोग कर रहे हैं, और अब लगता है विंग अटैक यूज़ करेगा पिजियोटो तो ये फेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे कोगा को हरा दिया है, और अब हमारे को सोल बैच भी मिल जाएगा। यू हैव बीट मी, दिस सोल बैच राइटफुली बिलोंग्स टू यू, मोहित गॉट पाउंड्स 1216 फॉर विनिंग। और यहाँ पे ये हमको कुछ और भी देना चाह रहे हैं साथ ही साथ, TM06। ये TM06 क्या है? सील्ड विद इन वॉट TM06 लाइज टॉक्सिक, इट इज़ अ सीक्रेट टेक्निक डेटिंग बैक फ्रॉम 400 ईयर्स,
टॉक्सिक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये तो हम लोगों को पहले से ही मिल चुका है। आया एंड आई बोथ हैव अ लॉट टू लर्न अबाउट बैटल, वी विल ट्रेन इवन हार्डर। गुड लक टू यू ब्रो, आई होप आप और अच्छा करेंगे फ्यूचर में। और दोस्तों, इसमें दिमाग ख़राब करने से अच्छा है हम सीधा एस्केप रोप यूज़ करके यहाँ से निकलें, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, तो हमको फिर से ऐसे ही जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाना होगा। लेकिन मुझे तो वो रास्ता याद ही नहीं है जहाँ से आए थे, शायद यही रास्ता है। जी, ऑलमोस्ट निकल ही आए। अब यहाँ से इधर नहीं, इधर किधर भाई? तो दोस्तों, आज का जो मेन हम लोग का मोटिव था वो हम लोगों ने कर लिया। हमने फुसिया जिम लीडर कोगा से बैटल किया और हमने उनको हरा करके हासिल कर लिया है अब अपना अगला बैच, जो कि है सोल बैच। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस कैंटो रीजन में टोटल 8 बैजेस हैं और हमने 6 कलेक्ट कर लिया है। हमको 2 और चाहिए हैं, उसके बाद हम इंडिगो लीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और शायद ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।